अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमें दुनिया की हर आसाइश से बाइस नवाजे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। खैर का दिन हो, खैर हो, आफियत की रात हो। मैं लगाती हूँ सही तरह करो। ये देखो मामा रोकड़ा लेके बैठे। ये क्या है मामा? मनी मनी कार 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 ना नाराज हुआ वा मुझसे, पता नहीं किस बात पे भी मैंने इसको डांटा, भूल गई हूँ। ये लो टीवी ऑन हो गया ना, उठ जाओ साथ जल्दी, मेरा व्लॉग जाया हो रहा है मेरा। ये क्या हथौड़ा मारा तूने? तो ये मैंने कपड़े जो कल धोए थे ना वो है, और ये देखें नाश्ता चने और ये शोरबा है। इन्होंने शोरबा तो खा लिया और ये मैंने ढक दिया क्योंकि मैं तो अभी नहीं खा सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। इनकी तरफ ध्यान नहीं क्योंकि वो बोलने लग जाते हैं सनी हर वक्त। तो ये क्या नाम लेते हैं कैमरा उठा के आ जाती है, खाना भी नहीं खा रही देती सुकून से, लेट नहीं देती सुकून से, जब देखो कैमरा रखिए। तो आज खैर से जुम्मा है तो वो देखे कड़क दो, शुक्र है रात हो, थोड़ी सी हवा ठंडी थी तो सुकून था, नींद आ गई। तो वेलकम बैक गाइस, ये देखें हांडी चढ़ा दिया मैंने और ये बच्चों के लिए फ्राइज बना रही हूँ। फ्राइज और फ्राइज यानी फ़र्ज भी अदा कर रही हूँ। तो अंदर मैं उनको दे आई हूँ, अभी इनको दिखाती हूँ मैं बच्चे खा रही। तो ये देखें गाइस, ये मैंने शमामा जैनब के लिए लंच वो बनाया उसके लिए, ये मैं बच्चों को दे के आती हूँ। और मेरे टींडे पांडे इकट्ठे हुए हैं, प्याज मेरी फ्राई हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं बेटा, सबके लिए अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमी सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, जुम्मा मुबारक सबको, जुम्मा मुबारक सबको, जोर से कहो जुम्मा मुबारक सबको। तो वेलकम बैक गाइस, ये देखें खतरनाक कोफ्ते कितने ड्रोने लग रहे हैं ना इसमें, ये क्या कहते हैं कैमरे में। ये इसके मसाले हैं वो मैं भूल गई थी, मैंने पहले ही डाल दिया, दही डाल दी। ये देखें चम्मच पे भी लगी है, ये देखें दही और टमाटरों का पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटरों का पेस्ट बना कर डाला मैंने इसमें, और प्याज गोल्डन करी थी पहले मैंने, फिर अदरक लहसुन वो तो आपको मैंने दिखाया था उस टाइम, और अभी ये मसाले डाल देंगे सारे। घी निकल आएगा फिर इसको अंदर हम कोफ्ते हला के डालेंगे, पहले जो मैं लाती थी ना कोफ्ते खाऊं। मैंने अच्छी तरह से भून लिया मसाले में, अब मैं आलू डाल के ना पानी डाल देती हूँ। तो मैंने चूल्हा फिर ऊंचा कर गई थी, शुक्र है बचत हो गई है। तो मैं ना आगे मुझे सारे कहते हैं तुझे क्या है आते जाते तो चूल्हा ऊंचा कर देती है या फिर पानी शानी डालती रहती हो बीच में। तो मैं कहती हूँ पता नहीं मेरे जहन में क्या चलता, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं ये पुठे काम कर लेती हूँ। तो अब मैंने कहा ये अलग थल्ले पीता है मैं, ये देखें अलग टूट रहे हैं कोफ्ते, पहले मैंने हार्ड थे इनको पता नहीं क्या होगा उबाला आ जाए। अच्छा गाइस ये बताएं उबाला होता है या बॉयल होता है या उबाइल होता है? मैंने अक्सर लोगों को, हाँ मैडम इधर देखो, इधर तो देखो अब्बा जी क्या हुआ, कच्चा खत्ता छोटा छोटा बिना ना आए कपड़े पहन ले, अबे ला 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 ला
बस बाजी तुम तो किचन में तबाहियां ला रही हो, जैसे पाकिस्तानी हीरोइन है फसलें तबाह करती है, तुम मेरा किचन तबाह कर। हेल्पफुल लेके देगी और मुझे बहुत सारी चीजें लेके देगी। काका नहीं बनो, काके का टाइम नहीं है, सईश मामा जाना बनो। मम्मा मुझे बहुत सारी चीजें लेके देगी तो मेरी हैप्पी बर्थडे होगी। आपकी हैप्पी बर्थडे कब है? इधर आओ ना बताओ। हाँ मेरी हैप्पी बर्थडे बटन 3 को कब होगी? बटन 3 को कब? बटन 3 को। तो मोबाइल के अंदर क्यों घुस रही हो, पीछे हटो। मेरी ना मम्मा 29 साथ आपकी 30 जून फरवरी मैं 2 फरवरी और 7 भी फरवरी नहीं मामा जनवरी है फरवरी है वो और शमामा जनवरी में है और नहीं 7 जनवरी है शमामा फरवरी है शमामा और मेरा स्टार एक है देखो अच्छा वो इधर से देखो अपना लंच बॉक्स लिया हाँ क्या होता जी क्या होता हाँ जी क्या होता हाँ जी मैं डॉक्टर बनूंगी अभी आप बता तो रही हो कौन सी बनोगी इधर देख के बताओ ना इस्नानों वाले डॉक्टर यानी इंसानों वाले डॉक्टर यह है मिस थथी है ना इस्नानों वाले डॉक्टर इंसानों वाले इस्नानों वाले। तो गाइस आप लोगों से सवाल है ये बताएं इस फेस के पीछे कौन है गैस कर ये करेला निकला वाओ शमामा बड़ी हो गई है और शमामा तो ये देखें शमामा कितनी क्यूट वो लग रही है बेबी बन गई इतनी अच्छी वड्डे मुंह वाली आंटी लग रही है। तो गाइज ये देखें मैंने फाहद के लिए एक लड़की पसंद करी है इसका ये फाहद का रिश्ता कराना मैंने इसके साथ तो आप बताइएगा ये डींगे मुंह वाली लड़की फाहद के लिए साथ अच्छी लगेगी तो ये देखें गाइज खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है लेकिन अब माशाल्लाह लेकिन आप पता नहीं सनी को छप्पड़ ही लगेगा छोटा तो बहुत महंगा है सोने के भाव है बंदा छोटा गोश बनाए तो उससे अच्छा सोने की बालियां ना मैं बना के कान बटा दूँ मुझे तो छोटे बकरे के पाए भी मिले ना तो मैं उनको भी कानों में डाल लूँ वह नहीं मजाक करी थी मैं पर इसलिए ये तवीज़ वाली चाय पीने लगी इसको कहते हैं तवीज़ों वाली चाय ये खास दानेदार टिपाल दानेदार चाय है यानी टिपाल बाबा की चाय टिपाल बाबा की तवीज़ानी चाय तो ये पी के बंदा फ्रेश हो जाता क्या हो जाता है फ्रेश मैं ना बीच में लून डाल उई ये छीटे बड़ी उड़ाती है ये देखें भाई तो मैं ना इसमें वो नहीं डालती ना चीनी ना नमक बस ऐसे ही एंजॉय करती हूँ तो चलें फिर थोड़ा सा चुस्की लेते हैं चाय दी दूसरी चाय बस मैं साथ ना शदीद तूफान आया है तो बच्चे और हम डर के छुप गए हैं अंदर शमामा मैं पलट ठीक हूँ मैं तो बैठ के नीचे जा रही ये देखो चौक खाए तो फिर आ गया तूफान बहुत स्पीड से है अल्लाह मियाँ खैर वाफियत रखो ये लाइट जाने टीवी शीवी बंद कर दो लाइट को झटका लगा सनी गए हैं पानी लेने बच्चे रोने लग गए हैं कि अल्लाह मियाँ खैर ये लो फिर शुरू बड़ी भैड़ी शदीद आंधी है वो देखें वो पर्दा उड़ रहा है ना इधर से भी देखें ये देखें ये देखें बहुत ज़्यादा तूफान है बाहर ना शदीद बारिश ही देखे अंदर आ रही है सारी अंधेरे में नहीं नज़र आ रही ये देखो तेज़ बारिश हो रही है ये देखे नज़र नहीं आएगी मेरे घर में इतनी खाना खा लिया सनी तुमने चलो खाओ तो इतना करिए ख़राब देखो कमरे में अंधेरा अंधेरा सही आ रहा शमामा उठो खाना नहीं खाना फिर खा लिया इन्होंने खाना सही बना था सालन क्या नहीं मोबाइल क्लीन नहीं ना इसलिए नज़र नहीं आती ये देखें भाई
चलो चलो तेरी दनिया ना ये देखो भाई इतनी तेज बारिश हो रहा है देख ये देखो भाई मेरा कैमरा गीला हो रहा है बहुत तेज बारिश है पर भाई पानी गली में जमा हो गया बहुत ज़्यादा मैं सही तरह नहीं कैमरा कर सकती मेरा फोन गीला हो रहा है मोबाइल मामा बिजली बिजली चमक रही है तेज आ जाओ अंदर वेलकम बैक गाइस ये देखें बादल बरस बरस के चले तो नहीं गए वैसे बिल्कुल काले हो रहे हैं फिर बरसेंगे ना बोलो इजाज़त दे अल्लाह हाफिज बाहर का खाना खा रहा है 12:30 बजे तो अंदर वाशरूम खोला लेट गए सारे तो इजाज़त दें अल्लाह हाफिज अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें अल्लाह ताला खैर वाफियत का टाइम लेकर आए खैर की रात हो खैर वाफियत का दिन चढ़े अल्लाह अपने हिफ्ज़ो मान में रखे अल्लाह पाक हमारे मुल्क को पाकिस्तान हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे अल्लाह हमें नज़रें बस से बचाए और दुनिया की हर साइज़ बाई से नवाजे तो अपनी दुआओं में बस याद रखिएगा इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी और दुआएं किया करें अल्लाह पाक खैर वाफियत रखे इतना बुरा तूफान था ना कि वो कह रहे बाइक नहीं चल रही थी बाइक ऐसे जैसे कोई धिक्का लगा के ना पीछे फेंक रहा कहते मैं घबरा गया एकदम डर गया मैं कहा तो आप किसी सेफ जगह पर रुक जाते कह रहे हाँ मैं कोशिश कर रहा था मैं कह रहा था जल्दी से मैं चला जाऊँ मैं कह जल्दी नहीं करनी चाहिए अल्लाह ताला बस अपने हिफ्ज़ो मान में रखे खैर का वक़्त लाए अल्लाह पाक और कल इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़ शब्बा खैर अपना ख्याल रखिएगा।